चंद्रशेखर, इस फिल्म में मैंने जो मेन विलेन जैसी चीज़ है उसका मैंने मामा का किरदार निभाया है, वो तो कहीं भी जब फंस जाता है तो फिर मुझे याद करता है उसके फादर या बाकी लोग उसका साथ नहीं दे पाते हैं, तो इसको दंड फंद करके उसको बचा के लाना ये मेरी जिम्मेदारी होती है। और ये चूँकि यूपी की पृष्ठभूमि पर है तो हमने कोशिश की कि वहीं के लोग हों और वहीं की बोली और वहीं की चीज़ों का हमने टच रखा है। जी, मैं एक दलित का रोल कर रहा हूँ, वो लड़की के फादर का, प्यारे नाम है उसका, और वो फाइट करता है एक बड़े वर्ग के लोगों से, सवर्णों से फाइट करता है, और उस फाइट में अंत में वो सरेंडर होता है और उनके सामने ये एक जिजीविषा के साथ सामने खड़ा होता है, वैसे फाइट करता है। जैसे इन्होंने कहा अरुण सर ने कि ये मेरे मामा बने हैं, बस तो उनका भांजा मैं हूँ जो नेगेटिव मैंने प्ले करा है। तो बेसिकली मैं ऐसा दिखाया गया हूँ कि जो अपर कास्ट होती है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है, जो ऐसा लगा है कि मैं, मेरे हाथ में सब कुछ है, अगर मैं जो चाहूँ मैं वही कर सकता हूँ। तो उस चीज़ के अराउंड जो रिवॉल्व हो रही है लखनऊ में स्टोरी है, तो उसके ऊपर बेस है ये मूवी। प्लीज गो टू द नियरेस्ट थिएटर्स एंड डू वॉच द मूवी। थैंक यू। और आप सब लोग फिल्म देखिए, और ये चाहिए कि इस तरह की फिल्में और बने और आप सब पसंद हो जाए।